आतिफाबाद 8 नंबर की मेन मार्केट है और ये पानी जो है रोज का मामूल बन चुका है यहाँ पर जो है ना। दुकान के किराए के साथ हम लोगों ने पानी का ये स्टाम्प पे लिखवाया हुआ, कोई बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है यहाँ पर कोई। पीछे ये जो गटर का पानी निकला हुआ है पूरे रोड के ऊपर, ये लतीफाबाद 8 नंबर की मेन मार्केट है और ये पानी जो है रोज का मामूल बन चुका है यहाँ पर जो है ना। कस्टमर हजरात काफी परेशान होते हैं, बाज़ों का तो ये मेन होल गटर के जो है ढक्कन नहीं होते, जिसकी वजह से कभी रक्षा कभी बाइक मतलब इधर गिरते रहते, अक्सर हादसा इधर जो है ना पानी की वजह से होते रहते। और ये पानी जो है ये आज का नहीं है, तकरीबन मैं समझता हूँ इस पानी को जो है ना 5 से 6 साल हो चुके हैं। काफ़ी बार हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस पानी को साफ़ करवाया है, लेकिन इंतजामिया की कोई कारकर्दगी इधर यहाँ नज़र नहीं आती है। ये पानी आप देखेंगे कि ये मेन इंट्रेस है मार्केट की, यहाँ से निकलता है और ये पूरा फ्रंट पर और 3-4 मार्केट को कवर करता हुआ है। ये पूरा मतलब सत्यानाश हो चुका है हम लोगों के इधर कारोबार का। यहाँ पर हम लोग लाखों रुपये की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, कारोबार का कोई हाल नहीं है। महंगाई की वजह से वैसे ही इंसान परेशान है, फिर दूसरा अजाब हमारे ऊपर ये मुसल्लत हुआ है पानी की सूरत में। ये सनव्यू और उमर खान के बराबर में ये मेन इंट्रेस है मार्केट की, ये पूरा शाइन मार्केट और यूसुफ हाइट्स के इधर को कवर करती हुई पूरी मतलब फ्रंट, और ये कोई एक रास्ता है नहीं बचता है जहाँ से हम लोग यहाँ से गुजर चुके हैं। और दूसरा ये कि करीब में इधर जामा मस्जिद है तो नमाजी हजरात भी यहाँ से जाते हैं, उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बराए करम इस पर फिर फोर एक्शन लें और इसके लिए कोई कमेटी बनाए जो भी इसके लिए बेहतर हल है, बेहतर से बेहतर हल इसके लिए निकाले। पानी का यहाँ पर समझ लो कि हम लोग ने स्टाम्प में लिखवाया हुआ ऐसा लग रहा है, दुकान के किराए के साथ हम लोग ने पानी का ये स्टाम्प पे लिखवाया हुआ। पानी हमारे यहाँ पर रहता है, कस्टमर आता है वो यहाँ पर आने के बाद बोलता है भाई ये क्या आपने कहाँ दुकान खुली हुई, हम मार्केट में नहीं बैठे हुए, हम ये साइड एरिया में बैठे हुए भाई, यहाँ से नमाजी गुजर रहा है कोई भी गुजर रहा है मगर क्या उसके कपड़े ख़राब। आप मुझे बताएं ये मसला कब हल होगा, कैसे हल होगा, कौन करेगा यहाँ का मसला हल, कौन सी कमेटी है यहाँ की, यूनियन कहाँ है, कमेटी कहाँ है, कोई बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है यहाँ पर कोई। बस यही अपील है कि ऊपर का छोड़े नीचे का देखें, नीचे से सफाई करना शुरू करें तो ऊपर तक वो ना सारी सफाइयाँ हो जाएंगी। पानी एक दिन का वो नहीं है, पानी का मतलब डेली आप 2 दिन देखोगे पानी नहीं होगा फिर पानी आ जाएगा। तकरीबन ये मेरे हिसाब से तो 5-6 साल से चल रहा है और काफ़ी यूनियन वगैरह ने भी शिकायत करी है, बल्दिया वाले आते हैं सफाई करते हैं, 2-3 दिन पानी नहीं आता है फिर पानी आ जाता है, ये मतलब रेगुलर का है, एक दिन का नहीं है। नमाजी गुजर, हम खुद भी नमाजी परहेजी हैं यार, हम नमाज पे जाते हैं, कोई बाइक जाती है तेज़ स्पीड में तो दुकान में छींटे आ जाते हैं, मतलब इतना पानी खड़ा होता है कि, और रेगुलर का काम है एक दिन का नहीं है। आते हैं भंगी, ये नहीं कि भंगी नहीं आते, भंगी आते हैं सफाई करते हैं, 2-3 दिन सफाई हो जाती है फिर पानी नहीं आता, 2 दिन नहीं आएगा 3 दिन आएगा फिर पानी आ जाएगा।